દમણ પ્રશાસનની વેબસાઇટ જેવી નકલી વેબસાઇટ બનાવી ડેલ્ટીનનો દમણ પ્રશાસનના નામે ફેક પરમિશન લેટર સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરનાર 5 ભેજાબાજોની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. દમણ પોલીસે નકલી પરવાનગી પત્ર બનાવી તેને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરનારા 5 લોકોની ધરપકડ કરી એક સંગઠિત નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. દમણ ટુરિઝમ ડિપાર્ટમેન્ટના નાયબ નિયામકના નામે બનાવટી પત્ર બનાવનાર 5 ઇસમો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હીના રહીશો છે. આ 5 ભેજાબાજોએ દમણની જાણીતી ડેલ્ટીન હોટલ અને વિઝિટ ફ્રુઝવોય લિમિટેડને ઇલેક્ટ્રોનિક એમ્યુઝમેન્ટ સ્લોટ મશીનની ગેમ માટે લાયસન્સ આપવાની પરવાનગી અંગેનો ફેક લેટર વિવિધ સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી વાયરલ કર્યો હતો. દમણ પોલીસે આ નકલી પત્ર બનાવવામાં અને તેને વાયરલ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવનાર દિલ્હીના વિજિલ કનેથરા, વાપીના પવન ગંગા ચૌધરી, ગાંધીનગરના રાયસનના ઉર્મેશ ધનસુખ લાલ પંડ્યા અને રાજપીપળાના ઇકબાલ અહેમદ તથા મહારાષ્ટ્રના થાણેના દેવેન્દ્ર હરકનાથ ગોંડની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી 11 મોબાઈલ, કેટલાક દસ્તાવેજો જપ્ત કરી મહત્વની સફળતા મેળવવા સાથે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. એક ઓર્ગેનાઇઝ નેટવર્ક ઓફ પીપલ ઉનકો બસ્ટ કિયા હૈ જો કિ સરકારી ઓર્ડર્સ કા ફેક ઓર ફોર્સ્ડ કોપી બના કે સોશિયલ મીડિયા પર સર્કુલેટ કરતે થે ઓર ઉસ સોશિયલ મીડિયા કે દ્વારા इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते थे और उस पैसे को लेके वो किसी तरीके से उनके साथ चीटिंग करना चाहते थे और उनको हानि पहुंचाना चाहते थे. इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने में अलग अलग टीम्स लगी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से रिकवरी विद एविडेंस उनसे हमें सब कुछ रिकवर हुआ. फिलहाल मैं 16 सितंबर 2022 को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक सोशल मीडिया पे एक ऐसा कागज़ घूम रहा है जिसमें यह बोला गया है कि डेल्टन होटल के अंदर कैसीनो और गेमिंग का लाइसेंस एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया गया है. उस कागज़ का जब हमारे पास रिपोर्ट हुआ, उसके जांच करने के बाद पता लगा कि ये झूठा कागज़ है और उसके ऊपर एक सख्त धाराओं के अंदर में हमने केस रजिस्टर किया. केस रजिस्टर करने के इमीडिएटली बाद जो भी हमें कागज़ मिले सोशल मीडिया से उनको एनालाइज किया गया, जो कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पे सर्कुलेट हो रहे थे. डेटा एनालिसिस करने के बाद टीम ने 2 दिन के अंदर भीतर एक ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जो नज़दीक में रहने वाला था और उसको सिलवासा से यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया. पूछताछ में पता लगा कि उसको ये कागज़ सोशल मीडिया के थ्रू किसी व्यक्ति ने फॉरवर्ड किया है, तो इसलिए उसने सोशल मीडिया पर अपने लिंक्डइन अकाउंट पर उसको शेयर कर दिया. उस अकाउंट के बारे में जानकारी मिलने पे एक विजिल नाम के एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश हुआ, जो कि रहने वाला मूल निवासी केरला का है, लेकिन वो देश के अलग अलग जगह पे उस समय पे घूम रहा था. इसी तरीके से टीम्स ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और उसकी गतिविधियों को देखते हुए एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई और सबसे पहले जो मुख्य अभियुक्त है जिसने ये सारा आइडिया शुरुआत किया उसको दिल्ली से पकड़ के लाया गया और ट्रांजिट रिमांड में दमन में लाके उससे पूछताछ करी गई. तो पता लगा कि वो अपनी एक खुद प्राइवेट लिमिटेड विजिल क्रूज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है और उसमें वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहता था, जिसके लिए उसने एक व्यक्ति जिसका नाम पवन चौधरी है उसको कॉन्टेक्ट किया और उससे बोला कि किसी तरीके से मदद करके उसे फेक फॉर्ज्ड लाइसेंस दिलवा दिया जाए ताकि वो किसी तरीके से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी कंपनी के अंदर में. पवन चौधरी नाम के व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया जो कि मूल निवासी किसी और स्टेट का है लेकिन फिलहाल वापी में रह रहा है और उसको भी गिरफ्तार करने के बाद जब गहन तकनीकी जाँच करी गई तो जो फॉर्ज्ड लेटर था कैसिनो का, जो फॉर्ज्ड फेक लाइसेंस घूम रहा था सोशल मीडिया में, वो उसके मोबाइल से हमें मिला. साथ ही साथ एक कागज़ और मिला जो कि परमिशन लेटर था जो उसने मुख्य अभियुक्त विजिल जो कंपनी रन करता है उसके पास वो भेज रखा था. पवन चौधरी से आगे जब हमने पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो एक उर्मेश पांड्या करके व्यक्ति से टच में है और उसने उससे रिक्वेस्ट करी है कि किसी तरीके से इस तरीके के दस्तावेज बनाए जाएँ जिससे कि विजिल कांथेटी जो कि विजिल क्रूज प्राइवेट लिमिटेड को रन कर रहा है उसको हम ये लाइसेंस दिलवा सकें और उसके बदले हमें किसी तरीके का मुनाफा हो सके, पैसा कमाया जा सके. इसी तरीके से उर्मेश पांडे को हमने ढूंढने में समय लगाया और उर्मेश पांडे को हमने लोकेट करने के बाद उसको गिरफ्तार किया और जब गहन सघन जांच और पूछताछ चलती रही उस दौरान उसने रिवील किया कि वो एक और व्यक्ति से टच में है जिससे उसने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मदद मांगी है.
इस व्यक्ति का जो मुख्य जो व्यक्ति है इसका नाम हमारे सामने आता है, इकबाल अहमद।